कंफर्म। चलिए चल करके जल्दी से बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर डन करके इसको डन करके हम ले जाते हैं। सूट कर रहा है ना मेरे पे। कांग्रेचुलेशंस और न्यू बाइक के लिए पहले ही। हे डियर्स, तो आज सीनू पॉप के चैनल में कुछ नया हो रहा है क्योंकि मैं उनके चैनल पे इंट्रो दे रहा हूँ और ये वो यहाँ पे खड़े हैं। तुम ब्लॉग कर रहे हो? हाँ जी, हम ब्लॉग कर रहे हैं। तो फिलहाल का इसमें मैं आया हुआ था, ठीक है, मेरे बाइक को लेने के लिए। जैसे कि मेरे बाइक में दिखाया था आप लोगों की सर्विसिंग करवाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था जो कि फिक्स नहीं हुआ था सर्विसिंग के बाद भी। तो अभी मैं आया हुआ हूँ और अपनी बाइक को लेकर के जाऊँगा यहाँ से घर। 3 दिन इसके बिना फिर रहना पड़ा उधर, तो 2 दिन रहा था, फिर 3 दिन, 5 दिन ओवरऑल छोड़ दिया मैंने अपनी बाइक को। और अभी देखता हूँ मेरा बाइक सही हुआ है नहीं। फिलहाल अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, ठीक है? और फिलहाल आपको एक और नया जहर चीज़ दिखाते हैं, कुछ जहर चीज़। बिल कर दिए भैया? इधर अभी ऑल राइट गाइस, मेरा बिलिंग हो गया कंप्लीट, भाईजान ने कर दिया सारा कुछ। एंड फाइनली मैं वो चीज़ जाकर के भी दिखाने वाला हूँ जो कि अभी इंटरनेट पे यूट्यूब पे सारा सेंसेशन बना हुआ है यामाहा वालों की तरफ से। यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल चुके हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे अपनी बाइक का रिव्यू कर रहे थे। कौन सी बाइक का कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभी आगे जा करके मालूम चलेगा। पहले अपना इंट्रोड्यूस करो भाई। मेरा नाम अर्सिन है और मैं बाइक ब्लॉग करता हूँ, मतलब बाइक को इंट्रोड्यूस करता हूँ, रिव्यू करता हूँ बेसिकली। और बाइक का जो पैसन है मतलब सिमिलर मेरे जैसा है, क्योंकि मैं भी बाइक का शौकीन हूँ, मेरा भाई भी है। और इधर एक और भाई है हर्ष, अंकित। मैं ये हर्ष, ये हर्ष, हिमांशु अंकित, और हमको भूल गए। तो भाई अभी एक प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है? क्या चैनल का नाम है? हर्षनाथ। आप लोग जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बता रहे हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में निकाल दूंगा, आप लोग जाकर के फुल डिटेल देखना, इनके चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना। तो फिलहाल चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ R15M की लुक कैसी है। हेयर कहाँ है जाकर के हमारी ब्यूटीफुल बीस्ट। तुम्हारा ही है, बैठ जाओ। स्मार्ट स्मार्ट लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मस्त है। तो गाइस सबसे पहले ये जाकर के यामाहा की न्यूली लॉन्च बाइक है R15M। इसका 2 वेरिएंट आया है, एक R15 वर्जन 4 के रूप में और एक R15M में। और ये जाकर के डिट्टो R7 की कॉपी है, ठीक है? और इसका कलर सेगमेंट देख रहे हो एकदम डिट्टो R1 के जैसा है ना, एकदम सेम R1 की जैसी दिख रही है बाइक कलर के। और यहाँ आगे में दिया गया है DRL, ये आपका प्रोजेक्टेड हेडलाइट है दोनों साइड। और इसका पैनल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है, क्योंकि R15 भीतरी में जो पैनल था वो थोड़ा सा प्लेन टाइप का था, लेकिन इसमें जाकर के हल्का सा बल्की टाइप का दिया गया है, जिससे कि गाड़ी का लुक जो है काफ़ी इन्हेंस होकर के आ रहा है। और इंजन वाइज R15 भीतरी के एकदम सिमिलर ही है और कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। मेनली इस पर ध्यान दिया गया है USD फॉक्स के ऊपर में, ठीक है? और आपका क्विक शिफ्टर भी दिया गया है ना, क्विक शिफ्टर भी दिया गया है। एंड गाइस मोस्टली जो आप लोग लुक देख सकते हो बाइक का काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 150 cc या 200 cc या 300 cc के सेगमेंट में ऐसा लुक किसी भी बाइक के अंदर में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, जो कि R15M में दिया गया वर्जन 4 में। और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर्स भी आया है, एक इसका मॉन्स्टर एडिशन भी है, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल जाकर के इसका थोड़ा सा मीटर भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए R15M की तरह ही दिया गया है, एकदम सिमिलर। बस ये जाकर के ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें TFT रहता है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, TFT स्क्रीन हम लोग का ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दिया गया है साइड में, ABS का, यहाँ पे न्यूटन मीटर और यहाँ पे बहुत सारे और भी। और इससे जाकर के अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हो। एग्जॉस्ट नॉट, वो साउंड थोड़ा कम कर दिया गया है इसमें, मैं आप लोग को सुनाता हूँ अभी। वॉइस के मामले में एग्जॉस्ट नॉब से उतना दमदार नहीं रहा हमारा R15M। थोड़ा सा पावर कॉन्फ़िगर भी कम कर दिया गया है ना, 0.2 BHP कम है। बस बाकी आप लोग लुक वाइज अगर देखोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिख रही है साइड से, ठीक है? तो मन कर रहा है अभी ले लूँ, तो क्या बोलते हो, कमेंट करके जरूर बताना, ले लूँ या नहीं लूँ। तो गाइज ओवरऑल मैंने सारा कुछ आप लोग को बता दिया बाइक के बारे में, और डिटेल रिव्यू मैंने नहीं किया, डिटेल रिव्यू अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं अपना बाइक देखने के लिए आया हुआ था। ये V3 दिया हुआ था सर्विसिंग पे, सर्विसिंग मेरा कंप्लीट हो चुका, अभी मैं निकलूंगा घर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया मेरे को देख करके भाई तो मन पर, भाई रुक जाओ थम जाओ थोड़ा,
करो करो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ ठीक है R15M पर, और काफी ज्यादा बढ़िया फीलिंग आ रहा है, मन कर रहा है ले ही लूँ, ले लेता हूँ अदर्स। हाँ बिल्कुल कंफर्म, चलिए चल करके जल्दी से बुकिंग कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो फिर डन करके इसको डन करके ले चलना है एकदम, आज ले ही लेते हैं शोरूम, बोल देते हैं कौन। तो फिलहाल अभी इसे लेकर के चलते हैं घर ठीक है, चलिए चल करके सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। बाकी रहेगा क्या? पार्टी पार्टी चाहिए भैया, एकदम 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 कांग्रेचुलेशन भी सूट कर रहा है ना मेरे पे, कांग्रेचुलेशंस और न्यू बाइक के लिए पहले वैसे काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार, दे दो भाई कोई। देखो यहाँ पे एक भाई दो भाई तीन भाई चार भाई, चारों भाई पैसा मिला रहा है और मैं जा करके कुछ मिला करके ले ले रहा हूँ ठीक है, पैसा वापस मत मांगना। अभी गाइस मैं चलता हूँ घर ठीक है, भाई लोग से मिल करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, बाय। एंड इधर अभी दोनों बाइक अपनी खड़ी है, दोनों बीच हो सकता है उसे चेंज करूँ या नहीं भी करूँ, क्योंकि वो मेरा पहला बाइक है, पहला प्यार है मेरा, चेंज नहीं करूँगा, इसे मैं लेकर के जाऊँगा, ये अपनी दूसरी वाइफ हो जाएगी। एक आई है दूसरी भी आ जाएगी, R15 V3 है, V4 भी आ जाएगी, वो भी M वाली। तो अभी गाइस मैं जाकर के शोरूम के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर जाके तीनों वेरिएंट मेरा लगा हुआ है, R15M का मॉन्स्टर एडिशन लगा हुआ है, मैं जाकर के आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कैसा है। तो हियर यू कैन सी गाइस, ये जाकर के R15 V4 जो कि सिमिलर है R15M की तरह, बस इसमें क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया, बाकी ऑलमोस्ट सेम है बाइक एंड इधर रही ब्लैक, और ये रही हमारी जाकर के मॉन्स्टर एडिशन R15M, यहाँ पे ब्रांडिंग भी किया गया है देख रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है गाइस देखने में। एंड इसका जो सबसे यूनिक कलर जो आया है वो है रेड वाला, क्योंकि भाई ये एकदम डुकाटी की जो पेनाइल 4 जो आई है वर्जन 4 एकदम सेम उसी की तरह देखने में लग रहा है, ये R15 वर्जन 4 जो कि R15M में नहीं आया, ये कलर R15M में ये कलर आता तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है एकदम देखने में। तो अभी गाइस मैं यहाँ से निकलता हूँ, जा रहा हूँ अपने घर, घर जा करके आप लोग से आगे मिलते हैं और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी गाइस आ चुका हूँ मैं अपने घर ठीक है, और अभी आते के साथ देखिए पापा क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए पापा कर रहे हैं गेहूँ चुनाई है ना पापा, रोटी बनाएगा उससे, रोटी बनाएगा आटा बनाएगा इधर नानी, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जैसा कि मैंने गाइस घर पहुँचा, अभी जस्ट घर पहुँचा और आप लोगों को बोला कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तुरंत जस्ट मोंटी भाई ने कॉल कर दिया मुझे, और हेयर ठूस ठूस कर खा रहा है बंदा हमेशा की तरह, इधर धीरज भाई, उधर भी एक भाई है धनबाद का बंदा है लेकिन इसको पता नहीं हमारा तो रोज का है। चलो ठीक है अभी खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग गाइस निकल चुके हैं मार्केट पे ठीक है, और मोंटी भाई अभी जा रहा है, जा रहे हो कल आ रहे हैं, कल आ रहा, हाँ कल आ रहा, जा रहे धनबाद से फिर कल आ रहे हैं, बोकारो में कोई रहता है ना तुम्हारा, आवा मिलता है।